हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका MySirG.com के इस चैनल पे, जहां पर हम लोग देख रहे हैं कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखने वाले हैं एक्सप्लेन द प्रोटोटाइप ऑफ मेन मेथड इन जावा। तो आइए दोस्तों, ये इंटरव्यू का एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। अक्सर बिगनर से ये क्वेश्चन, फ्रेशर से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेन मेथड का प्रोटोटाइप बताइए, उसको एक्सप्लेन करिए। तो इसी पर आज हम लोग फोकस करेंगे। तो देखिए, किसी भी प्रोग्राम में जब आप मेन मेथड बनाते हैं जावा के अंदर, तो हम ये जानते हैं मेन मेथड भी किसी क्लास का एक मेंबर ही होता है, लेकिन उसका जो प्रोटोटाइप है वो आपको फिक्स रखना होता है। यानी वो हमेशा पब्लिक होगा, स्टैटिक होगा, वॉइड होगा, उसमें आर्ग्यूमेंट भी होंगे स्ट्रिंग ARGS करके। ये जो चीज़ है इसको बोल रहे हैं प्रोटोटाइप ऑफ मेन मेथड, और ये हमेशा ऐसा ही रखना होता है। अब हमको ये समझना है कि ये पब्लिक क्यों है, स्टैटिक क्यों है, वॉइड क्यों है, ठीक है ना, इसके अंदर आर्ग्यूमेंट ये क्यों पास हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने के लिए क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जा रहा है कि एक्सप्लेन प्रोटोटाइप ऑफ मेन मेथड। तो आइए इसको समझते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होगा। अब मैं यहाँ पर आपको बारी बारी से समझाता हूँ एक एक चीज़ का मतलब। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वाई पब्लिक, यानी जो हमारा फंक्शन है, मेन मेथड है, ये पब्लिक क्यों है। आपको यहाँ ये पता होना चाहिए पब्लिक एक एक्सेस स्पेसिफायर है, या एक्सेस मॉडिफायर बोल सकते हैं आप इसको। इससे क्या होता है ना कि आपने क्लास के अंदर जितने मेंबर्स बनाए होते हैं और जिन मेंबर्स को आपने पब्लिक किया होता है, वो मेंबर्स क्लास की बॉडी के बाहर से एक्सेसिबल होते हैं। फिर वो चाहे सेम पैकेज की कोई क्लास एक्सेस करे या दूसरे पैकेज की कोई क्लास एक्सेस करे, यदि आपने अपनी क्लास के अंदर कोई मेथड्स, कोई वेरिएबल, कुछ भी एलिमेंट जो पब्लिक बनाया हुआ है, वो बाहर से एक्सेसिबल है, यानी उस पर सबसे कम रिस्ट्रिक्शन होता है। तो मेन मेथड को क्योंकि JVM कॉल करेगा और क्लास के बाहर से कॉल करेगा, तो कोई दिक्कत ना जाए, इसलिए इसे पब्लिक बनाया गया है। तो ये तो हुआ पब्लिक का रीज़न। अब बात करते हैं स्टैटिक का क्या मतलब है। स्टैटिक का मतलब ये है कि कोई भी क्लास में जो मेंबर्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। या तो उन्हें बनाते वक्त आपने स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल किया होगा, या फिर बिना स्टैटिक कीवर्ड के आप बनाते हो। जैसे आप क्लास में कोई वेरिएबल या फंक्शन बनाते हो, नॉर्मली स्टैटिक नहीं लगाते हैं, तो फिर वो इंस्टेंस मेंबर कहलाता है। फिर वो चाहे वेरिएबल हो तो इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल बोल दीजिए, फंक्शन है तो इंस्टेंस मेंबर फंक्शन बोल दीजिए। लेकिन अगर स्टैटिक कीवर्ड लगा देंगे तो वो हो जाएगा स्टैटिक मेंबर। अब जैसे ये क्लास है, इस क्लास के अंदर अगर मैंने कोई वेरिएबल ऐसे बना दिया, तो ये वेरिएबल क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल। लेकिन अगर इसी को बनाते वक्त मैंने स्टैटिक कीवर्ड लगा दिया, तो ये हो जाएगा स्टैटिक मेंबर वेरिएबल। इसी प्रकार से अगर आप कोई फंक्शन बनाते हैं अपने प्रोग्राम में, जैसे कि मैं यहाँ पर बनाता हूँ, एक फंक्शन मैंने बनाया F1, और ये फंक्शन की कुछ कोडिंग है, ठीक है। अब इस फंक्शन को बनाते वक्त मैंने स्टैटिक कीवर्ड नहीं लिखा है, इसका मतलब है ये इंस्टेंस मेंबर फंक्शन। इंस्टेंस मेंबर फंक्शन वो है जो ऑब्जेक्ट डॉट करके ही कॉल होंगे, ऑब्जेक्ट के लिए ही चलेंगे, इंस्टेंस के लिए ही चलेंगे। लेकिन अगर मैं इसको बनाते वक्त स्टैटिक कीवर्ड लगा देता हूँ, तो ये स्टैटिक मेंबर फंक्शन, या सिंपली बोलें स्टैटिक फंक्शन, स्टैटिक मेथड कहलाएगा। स्टैटिक मेथड की खास बात यह होती है कि इसको कॉल करने के लिए आपको इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होती। आप एग्जांपल क्लास का, ये जो क्लास का नाम मैंने एग्जांपल रखा है, एग्जांपल क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं भी बनाएंगे तो भी आप इस मेथड को कॉल कर सकते हैं। जबकि इंस्टेंस मेंबर फंक्शंस जो होते हैं, उनको कॉल करने के लिए आपको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा। तो स्टैटिक मेथड को फिर कॉल कैसे करते हैं, तो स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए हम क्लास का नाम, डॉट ऑपरेटर ऑफ ए फंक्शन का नाम लिखते हैं। यानी कहीं पर भी अगर मुझे लिखना होगा तो मैं लिखूंगा एग्जाम्पल डॉट F1, इस तरीके से। तो ये तरीका होता है कि बिना ऑब्जेक्ट बनाए भी आप स्टैटिक मेथड्स को कॉल कर सकते हैं। तो स्टैटिक मेंबर के बारे में एक और बात आपको मालूम होनी चाहिए कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन अपनी क्लास के स्टैटिक मेंबर्स को ही डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, बाकी अगर दूसरे मेंबर्स को एक्सेस करना है तो ऑब्जेक्ट डॉट लगा के ही एक्सेस करना है। चलिए, इतनी बात से हमें ये समझ में आ गया कि स्टैटिक क्या होता है। अब देखिए, क्वेश्चन ये है कि ये स्टैटिक क्यों है। तो मेन मेथड स्टैटिक इसलिए है ताकि JVM को हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े मेन मेथड को कॉल करने के लिए। मेन मेथड स्टैटिक होने की वजह से हमारी क्लास के ऑब्जेक्ट पर निर्भर नहीं करेगा।
तो इसीलिए हम मेन मेथड को स्टैटिक बनाते हैं। फिर void क्यों बनाते हैं, हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि void फंक्शन का रिटर्न टाइप है जो ये इंडिकेट कर रहा है कि मेन मेथड कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। आपको याद होना चाहिए कि C, C++ जैसी लैंग्वेजेस में मेन मेथड जनरली int टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, वहाँ पे हम लास्ट में रिटर्न 0 या रिटर्न 1 भी लिखते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली मेन फंक्शन को कॉल करता है सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेज में, तो वहाँ पर अगर मेन मेथड 0 रिटर्न कर रहा है या 1 रिटर्न कर रहा है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम को वैल्यू जा रही है, जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम को ये समझ में आता है कि प्रॉब्लम जो प्रोग्राम है वो नॉर्मली टर्मिनेट हुआ है या किसी प्रॉब्लम की वजह से टर्मिनेट हुआ है। तो जब आप 0 रिटर्न करते हैं तो उसका मतलब होता है नॉर्मल टर्मिनेशन, और 1 रिटर्न करते हैं तो इसका मतलब है कि कोई प्रॉब्लम हुई है इसलिए आपने टर्मिनेट करा है प्रोग्राम को, इसलिए रिटर्न करवा रहे हैं 1। लेकिन जावा में ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली मेन मेथड को कॉल नहीं करता है, बल्कि JVM मेन मेथड को कॉल करता है, और यहां पर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं बनाई गई, इसीलिए मेन मेथड void टाइप का होता है। इसका मतलब वो कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। इसके बाद अगली चीज है कि स्ट्रिंग क्या है। आप ध्यान दें कि ये जो स्ट्रिंग लिखा हुआ है मेन के आर्ग्यूमेंट्स में लिखा है, यानी फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स के रूप में लिखा हुआ है। तो ये एक डेटा टाइप है जो कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। एक क्लास बनाकर आपने इस डेटा टाइप को बनाया, हालांकि ये प्री डिफाइंड क्लास है, आपको बनाना नहीं पड़ती। तो जावा में जितनी प्री डिफाइंड क्लासेस हैं उनमें से एक क्लास है स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग बहुत ही नॉर्मल सी रिक्वायरमेंट होती है हमारी स्ट्रिंग को रखने के लिए। तो जैसे सी सी प्लस प्लस में, खासतौर पे सी लैंग्वेज में, हमने देखा कैर एरे हम बनाते थे स्ट्रिंग को रखने के लिए। सी प्लस प्लस में भी हम कैर एरे बनाते थे एक स्ट्रिंग को रखने के लिए, हालांकि सी प्लस प्लस में भी स्ट्रिंग नाम की क्लास मौजूद है, पर हो सकता है कई लोगों ने उस क्लास को यूज ना करा हो। खासतौर पर मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो अभी फ्रेशर्स हैं, बिगनर्स हैं, लेकिन प्रोफेशनल्स ने तो डेफिनेटली स्ट्रिंग क्लास को यूज किया होता है। पर जावा के अंदर भी आप स्ट्रिंग को रखने के लिए या तो सी स्टाइल से कैर एरे में स्ट्रिंग को रख सकते हैं, या फिर आप स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बना के भी रख सकते हैं। तो नॉर्मली जावा के प्रोग्रामर्स तो स्ट्रिंग क्लास का ही यूज करते हैं। तो स्ट्रिंग भले ही प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है, लेकिन लोग इसको यूज बिल्कुल ऐसे ही करते हैं जैसे कि ये प्रिमिटिव डेटा टाइप हो। तो स्ट्रिंग क्या है, तो स्ट्रिंग एक क्लास है। और ARGS क्या है, देखिए जावा के अंदर ये जो ARGS लिखा है ये एक रेफरेंस वेरिएबल है जो उस एरे को रेफर करेगा जिसमें वो सारी स्ट्रिंग्स होंगी जो मेन फंक्शन को कॉल करते वक्त JVM ने एज एन आर्ग्यूमेंट पास करी होंगी। अब आप किसी भी जावा के प्रोग्राम को रन कैसे करते हैं एक बार उस पर गौर करिए, तब आपको मेरी बात जल्दी समझ में आएगी। जैसे कि यहां पर मैंने लिखा हुआ है, ये मेरा कमांड प्रॉम्प्ट है, और यहां पर मैं आपको कमांड लाइन पर प्रोग्राम स्टार्ट करने के तरीके बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे इस प्रोग्राम को अगर मैंने कंपाइल कर लिया है, एग्जाम्पल नाम की क्लास है, तो मैं लिखूँगा जावा रन करने के लिए और लिखूँगा एग्जाम्पल, दैट्स इट। तो इस तरीके से कोई भी जावा के प्रोग्राम को आप कमांड लाइन के थ्रू स्टार्ट करते हो। लेकिन अगर आप यहाँ स्पेस दे के कोई भी आर्ग्यूमेंट पास कर दें, जैसे मैंने लिखा 1, 2, 3, तो मैंने यहाँ पर 3 आर्ग्यूमेंट्स पास कर दिए। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जावा जो एप्लीकेशन लॉन्चर है उसको मैंने बोला कि एग्जाम्पल डॉट क्लास को रन करो, और उसमें आर्ग्यूमेंट के रूप में 1, 2 और 3 ये 3 स्ट्रिंग्स पास करो। तो अब ये जब मैसेज JVM तक पहुंचता है तो JVM हमारे मेन मेथड को, हमारे प्रोग्राम के मेन मेथड को कॉल करता है और उसमें 3 स्ट्रिंग्स एज एन आर्ग्यूमेंट पास करता है। तो ऑब्वियस ही बात है कि 3 स्ट्रिंग्स को आपको स्टोर करना होगा। आप 3, 4 कितने भी यहाँ पे स्पेस से सेपरेट करते हुए स्ट्रिंग्स पास कर सकते हैं। ये पूरी एक स्ट्रिंग नहीं मानी जाएगी, बल्कि हर एक शब्द एक अलग स्ट्रिंग माना जाएगा। तो इस प्रकार से आप आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं। तो जब आप स्ट्रिंग क्लास का एक रेफरेंस वेरिएबल बना रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट से, तो ये रेफरेंस वेरिएबल है जो कि एरे को पॉइंट करेगा, एरे को रेफर करेगा। एरे को कैसे रेफर करेगा, ज़रा इसको भी समझने की कोशिश करें। जैसे कि ये ARGS नाम का एक वेरिएबल बना हुआ है, ये रहा ARGS, ठीक है, और इसके अंदर स्ट्रिंग स्टोर नहीं होगी, स्ट्रिंग स्टोर होगी एक एरे में, ठीक है। अब वो एरे कैसे बनेगा, लेट्स से ये वो एरे बना गया और ये जो है ARGS इस एरे को पॉइंट करेगा। ये एरे भी एक ऑब्जेक्ट की तरह ही है जिसके अंदर ये सारी स्ट्रिंग स्टोर होंगी। कौन कौन सी स्ट्रिंग, जैसे मैंने अभी पास किया 1, तो ये एक स्ट्रिंग है, राइट। इसी प्रकार से दूसरी स्ट्रिंग भी आएगी,
जिसका मतलब है टू, एक और स्ट्रिंग आई तो यहाँ पे थ्री, तो इस तरीके से ये तीनों स्ट्रिंग्स होंगी। हालांकि इसमें और भी कई सारे वेरिएबल्स वगैरह हो सकते हैं। तो ये एक एरे है जिसको ARGS पॉइंट कर रहा है, जिसके अंदर तीन स्ट्रिंग्स रखी हैं। तो ये स्ट्रिंग्स का एरे है। तो ARGS क्या है? ARGS एक रेफरेंस वेरिएबल है। आपसे कोई पूछे ARGS क्या है, तो ARGS एक रेफरेंस वेरिएबल है जो रेफर कर रहा है एक एरे को। यस, ये जो मैंने बॉक्स बनाया जिसमें 1, 2, 3 लिखा हुआ है, ये एक एरे है जो कि किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज को कंटेन करने वाला एरे है। तो उसमें एक नहीं कई सारी स्ट्रिंग स्टोर हो सकती हैं, क्योंकि स्ट्रिंग टाइप का भी एरे है। स्ट्रिंग टाइप का एक ऑब्जेक्ट होगा तो वो एक स्ट्रिंग रखेगा, लेकिन स्ट्रिंग टाइप के मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनाए, यानी स्ट्रिंग टाइप का एरे बनाया हुआ है और ARGS उसको पॉइंट कर रहा है। तो कमांड लाइन के थ्रू जितने आर्ग्यूमेंट्स पास किए जाते हैं वो इसमें इस तरीके से स्टोर होते हैं। तो ARGS 0 बोलेंगे तो पहली वाली स्ट्रिंग एक्सेसिबल होगी, ARGS 1 बोलेंगे तो दूसरी वाली स्ट्रिंग एक्सेस होगी, ARGS 2 बोलेंगे तो तीसरी वाली स्ट्रिंग एक्सेसिबल होगी। तो ARGS क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम कमांड लाइन के थ्रू अगर आर्ग्यूमेंट्स पास करना चाह रहे हैं तो स्पेस से सेपरेट करते हुए हम एक से ज़्यादा स्ट्रिंग्स पास कर सकते हैं, और इसीलिए ये ज़रूरी है कि यहाँ पर ARGS जो हो वो एरे को रेफर करता हो। तो ये अब आपको आई होप समझ में आ गया कि मेन मेथड का प्रोटोटाइप क्या है और क्यों है। अब यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करना मत भूलिए, और अगर आपको लगता है कि वाकई में बहुत मीनिंगफुल है, लोगों के काम आ सकता है, तो आप इसको शेयर ज़रूर करिए। आप अपने सुझाव, अपनी डाउट्स, अपने शिकायतें सब कुछ कमेंट्स के ज़रिए मेरे से बात कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब बहुत जल्दी कर लीजिए, क्योंकि जब आप इसको सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जब भी मैं कोई नया वीडियो पब्लिश करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं डेली ही वीडियोज़ अपलोड करता हूं, और कभी एक से ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड करता हूं, और मेरे एक से अधिक चैनल्स हैं। आपको अगर मेरे सारे वीडियोज़ की लिस्ट चाहिए तो मेरी वेबसाइट पे आइए, MySirG.com। देखिए, इस वेबसाइट पे आपको मेरे 1000 से ज़्यादा वीडियोज़ मिलेंगे और 15 से ज़्यादा कोर्सेज मिलेंगे। इतने सारे कोर्सेज हैं जिनको आप पूरा यहाँ पे लर्न कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा भी आपको बहुत सारा कंटेंट इस साइट पर मिलता है, कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख रहे हैं आप यहाँ पे, प्रोजेक्ट्स डाउनलोड कर पा रहे हैं, नोट्स डाउनलोड कर पा रहे हैं, और भी ढेर सारी बातें। इवन लाइव सेशंस जो लेता हूँ उसकी भी जानकारी आपको इसी साइट पर मिलती है। तो आपको अगर पसंद आ रहा है तो आप इस साइट को विजिट ज़रूर करिएगा, और अगर बहुत अच्छी लगे तो आप दूसरों के साथ इसको शेयर भी करिएगा। थैंक यू।